घड़ी का टाइमिंग एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जैसा कि आपने घड़ी का टाइमिंग पहले देख लिया, 9:15 हो रहे हैं, तो मैंने इसलिए घड़ी का टाइमिंग दिखाया क्योंकि यहाँ पे एक पपी है जिसको मैं अडॉप्ट करने वाला हूँ। अभी बहुत छोटा है इसलिए अडॉप्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसे जल्दी अडॉप्ट करने वाला हूँ। तो वो 9 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में उसकी एक एग्जैक्ट टाइमिंग फिक्स रहती है कि वो अकेले ही दूसरी जगह से चल कर यहाँ आता है दौड़ते हुए, और मैं उसे थोड़ा सा दूध दे देता हूँ पीने के लिए। तो टाइमिंग तो उसका हो गया है, देखते हैं कितने बजे आता है। मैं ये रिकॉर्ड करके आपको दिखाने वाला हूँ जब वो इधर आएगा, इसी रास्ते से आएगा। चलिए देखते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि वो आ रहा है, तो मैं उसका छुपके से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एकदम अपने परफेक्ट टाइम पे आया है, आपको अभी मैं घड़ी भी दिखाऊंगा। लगता है दौड़ते हुए आ रहा है, अभी मैं उसको मिलूंगा नहीं, लेकिन वो दौड़ रहा है मुझे। इसका दिमाग के लिए मैं सोच रहा हूँ इसका दिमाग कैसे चलता है, हम लोग घड़ी देख कर टाइम पता नहीं लगा सकते, और ये बिना घड़ी देखे कैसे इतना परफेक्ट टाइम का अंदाज़ा लगा लेते हैं और चले जाते हैं इतने टाइम पे। तो ये मेरे घर में चला गया है, लगता है मुझे दौड़ेगा उधर अंदर। तो चलिए मैं आपको घड़ी दिखा देता हूँ, अंदर चला गया है। तो घड़ी देख सकते हैं कि अभी 9:30 नहीं बजे हैं और वो अंदर चला गया है और ढूंढ रहा होगा खाने के लिए कुछ कि उसको मैं कुछ दूँ। अभी डेली इसी टाइम पर आता है। हाँ जी, आ गया, अभी देख लिया मुझे, देख लिया मुझे, मेरे आगे पास आ गया, अभी मांग रहा है टाइम खाने के हो लिए। गया के तो मैं इसको अभी देने वाला हूँ कुछ खाने के लिए। फिलहाल अभी ये कुछ हार्ड चीज़ें नहीं खाता, तो इसलिए इसे अभी दूध ही देता हूँ। कितना प्यार से दुला रहा है कि जल्दी दो मुझे कुछ।9:30 बज तो चलिए देखते हैं इसके लिए दूध गर्म है या नहीं, फिर इसको ला कर देते हैं। रुको, दूध गर्म हो रहा है तुम्हारा।
जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, ये अब दूध पी चुका है। अब इसको खोल रहा है। या तो ये वॉशरूम करने के लिए जाएगा, या तो फिर अपने घर के लिए सोचेगा कि मुझे अभी वापस जहाँ से आया हूँ वहाँ जाना है मुझे। तो देखते हैं आगे ये क्या करता है, और फिर इसको मैं जहाँ से आया था वहीं पे छोड़ कर आ जाऊँगा। आगे आगे अब वही भगा जाता था हम। तो इसको हम उसी के पास ले जा रहे हैं जहाँ बाकी बच्चे रहते हैं अपनी माँ के साथ। देख सकते हैं इतने सारे बच्चों में वो अकेले ही यहाँ पर आता है और बाकी कोई नहीं आता। और उसको टाइमिंग पता चल जाती है, हाँ 9:30 बज गए या 9:15 बज गए हैं तो मुझे चलना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करके दूसरों को भी दिखाइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।